हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट 50 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एलईडी टीवी बताऊंगा जो आपको अंडर 30,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। या दोस्तों, अगर आप भी एक बिग डिस्प्ले वाला स्मार्ट एलईडी टीवी लेना चाहते हैं जिसमें आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिले, जो साउंड क्वालिटी हो, या कहने का मतलब जितने भी फीचर हो सब बढ़िया देखने को मिल जाए, तब आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको 50 इंच का 4K स्मार्ट HDR 10 सर्टिफाइड डिस्प्ले मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको क्वाड कोर गेमिंग प्रोसेसर, 40 वाट तक का डॉल्बी साउंड आउटपुट, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार जैसे आपको मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप के साथ में आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट और डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये फीचर वाइज और प्राइस वाइज बहुत ही बढ़िया आपको ये सारे स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाएंगे। और इन सारे स्मार्ट टीवी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके इसको परचेस कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप वहां से भी जाके जान सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडर 25,000, 20,000 या 15,000, 10,000 रुपीज में कौन से बेस्ट स्मार्ट एलईडी टीवी देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट 4K स्मार्ट एलईडी टीवी है जो आज के इस लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो 5वें नंबर स्मार्ट टीवी आता है, आपको TCL की तरफ से देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो साउंड क्वालिटी है, और उसी के साथ में जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है, ये सब कुछ बढ़िया देखने को मिलता है। और ये TCL 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 50 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR 10 सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें आपको क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, माली 470X3 ग्राफिक प्रोसेसर, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार जैसे आपको मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप भी मिल जाएंगे। उसी के साथ में इसमें आपको 24 वाट का डॉल्बी साउंड आउटपुट, 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर के साथ में गूगल वॉइस असिस्टेंट और 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 27,990 रुपीज का देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्ट टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको HDR 10 सर्टिफाइड डिस्प्ले दिया गया है। लेकिन इसमें आपको जो साउंड आउटपुट मिलता है आपको 24 वाट का ही दिया गया है। हालांकि डॉल्बी आउटपुट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे साउंड क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर 30 वाट का रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ओवरऑल दोस्तों, इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है, जो आपको सारे कनेक्टिविटी फीचर दिए गए हैं, जो पोर्ट्स वगैरह है, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप अंडर 30,000 रुपीज में 50 इंच का एक TCL कंपनी की तरफ से स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं, तब आप इसको ले सकते हैं, ये भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो 4th नंबर पे 4K स्मार्ट टीवी है, आपको कोडक की तरफ से देखने को मिलता है। अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक ऐसा स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं जिसमें जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाए, तब आप इसको ले सकते हैं। क्या दोस्तों, इसमें आपको साउंड क्वालिटी के साथ में जो डिस्प्ले दिया गया है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और ये कोडक 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एलईडी टीवी। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें भी आपको 50 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR 10 सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें आपको कोर्टेक्स A53 क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, माली 450MP3 ग्राफिक प्रोसेसर, 2GB रैम, 8GB स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, Amazon प्राइम जैसे आपको मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप भी मिलते हैं। उसी के साथ में इसमें आपको 40 वाट का साउंड आउटपुट, 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर के साथ में गूगल वॉइस असिस्टेंट और 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 24,999 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्ट टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। इस स्मार्ट टीवी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अंडर 25,000 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें आपको जो साउंड आउटपुट देखने को मिल रहा है, जो डिस्प्ले दिया गया है, जो प्रोसेसर है, ये सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में दोस्तों, जो रैम और स्टोरेज दिए गए हैं, रैम इसकी बहुत ही बढ़िया है। हालांकि जो स्टोरेज आपको 8GB का ही दिया गया है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट 25,000 रुपीज है और उस बजट में आप एक 50 इंच का बिग डिस्प्ले वाला स्मार्ट एलईडी टीवी लेना चाहते हैं जिसमें आपको सारे फीचर एकदम टॉप नॉच देखने को मिले, तब आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्मार्ट टीवी देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिस्ट में जो 3rd नंबर स्मार्ट टीवी आता है, आपको आईफोन कॉन की तरफ से देखने मिलता है। और इसमें भी आपको जो सारे फीचर दिए गए हैं, चाहे रैम स्टोरेज हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे साउंड आउटपुट, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। और यह आईफोन कॉन 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एलईडी टीवी। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें भी आपको 50 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें आपको 178 डिग्री व्यूइंग एंगल, कोर्टेक्स A55 क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, माली G31H2 ग्राफिक प्रोसेसर, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, Amazon प्राइम जैसे आपको 6000 प्लस सपोर्टिंग ऐप भी मिल जाएंगे। उसी के साथ में इसमें आपको 24 वाट का डॉल्बी साउंड आउटपुट, 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर के साथ में आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट और 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाता है।
प्राइस की बात करें तो आपको 26,999 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्ट टीवी के प्रयोजन कौन सी, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मेटल फिनिश डिजाइन के साथ में इस प्राइस रेंज पे देखने को मिल रहा है। उसी साथ में जो इसमें आपको डिस्प्ले दिया गया है, जो प्रोसेसर है और जो रैम और स्टोरेज दिया गया है, जो सारे कनेक्टिविटी फीचर है, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें भी आपको 24 वाट का ही साउंड आउटपुट दिया गया है, लेकिन आपको डॉल्बी साउंड आउटपुट मिल जाता है, जिससे जो साउंड क्वालिटी रहेगी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक प्रीमियम डिजाइन के साथ में बेस्ट फीचर वाला स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं, वो भी 4K, तब आप इसको ले सकते हैं। इस प्राइस रेंज पे ये भी बढ़िया देखने को मिल जाता है आईफोन की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे स्मार्ट टीवी है आपको वीयू की तरफ से आता है। अगर आप इस प्राइस रेंज पे एक ऐसा स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं जो आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सके, चाहे गेमिंग के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए, तब आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। और यह वीयू 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एलईडी टीवी। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको 50 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR10 सर्टिफाइड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसमें आपको 178 डिग्री बीम एंगल, क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली 470MP3 ग्राफिक प्रोसेसर, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम जैसे आपको मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप भी मिल जाते हैं। उसी के साथ में इसमें आपको 30 वाट का डॉल्बी साउंड आउटपुट, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Wi-Fi, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर के साथ में आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट और 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 29,999 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्ट टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं सब आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं, चाहे डिस्प्ले की बात करें, चाहे प्रोसेसर की बात करें, चाहे रैम और स्टोरेज की बात करें, या इसके साउंड आउटपुट की बात करें, सब कुछ इसमें आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। अंडर 30,000 रुपीज में अगर आप एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं। इस प्राइस रेंज पे ये भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है वीयू की तरफ से। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर 1 पे स्मार्ट टीवी आता है आपको एसर की तरफ से देखने को मिलेगा। अंडर 30,000 रुपीज में 50 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी में दोस्तों सबसे बेस्ट फीचर के साथ में बेस्ट रैंकिंग के साथ में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये एसर 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एलईडी टीवी। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें इसमें भी आपको 50 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, इसमें आपको 178 डिग्री बीम एंगल, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, माली G31 MP3 ग्राफिक प्रोसेसर, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम जैसे आपको मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप मिल जाते हैं। उसी के साथ में इसमें आपको 30 वाट का डॉल्बी साउंड आउटपुट, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Wi-Fi, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर, गूगल वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट क्रोमा कास्ट और 2 ईयर की वारंटी के साथ में आपको 26,999 रुपीज में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्ट टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की, इसको नंबर 1 पे रखने का मेन रीजन ये है कि इसकी जो प्राइस है दोस्तों सबसे कम प्राइस रेंज पे दोस्तों सबसे बेस्ट फीचर के साथ में आ रहा है। या दोस्तों जो वीयू का इससे पहले स्मार्ट टीवी बताया था और जो ये आपको एसर का बता रहा हूँ, दोनों में कहीं ना कहीं सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसकी रेटिंग है वो आपको बढ़िया देखने को मिलता है और जो इसकी प्राइस है उससे इफेक्टिव प्राइस रेंज पे आता है। और जो इसमें फीचर दिए गए हैं, चाहे इसके डिस्प्ले की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, या इसमें आपको जो साउंड आउटपुट मिल रहा है, सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है। या दोस्तों इस प्राइस रेंज पे सबसे बेस्ट ऑलराउंडर वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवी अगर आप लेना चाहते हैं अंडर 30,000 रुपीज में, तब आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाता है एसर की तरफ से। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट 50 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एलईडी टीवी अंडर 30,000 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो क्लास तक देखने के लिए।